सूर्य ग्रहण आज देखने को मिला। राजस्थान समेत पूरे देश में यह सूर्य ग्रहण देखा गया। खंडग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में यह दिखाई दिया है। केरल के उत्तरी, तमिलनाडु के मध्य और कर्नाटक के दक्षिण के कुछ भागों में कंकण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा गया है। वहीं इस सूर्य ग्रहण की वजह से देश के सभी मंदिरों के पट बंद रहे। इस दौरान ना तो भगवान की आरती हुई और ना ही पूजा अर्चना। सूर्य ग्रहण खत्म होते ही भगवान की आरती, पूजा और भोग जैसी प्रक्रियाएं अब शुरू की गई। गुरु अमावस्या के दिन हुए इस सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष अलग अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसे राजनीतिक उथल पुथल वाला सूर्य ग्रहण भी बताया जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश कि किस किस जगह किस तरह ये सूर्य ग्रहण देखा गया। ये 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कि देश के अलग अलग शहरों में किस तरह से ये सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। आप देख सकते हैं ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहा और इसको लेकर अलग अलग प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं। इसे राजनीतिक उथल पुथल वाला सूर्य ग्रहण भी बताया जा रहा है। नक्षत्रों में फेरबदल होने की भी संभावनाएं यहाँ पर ज्योतिष जता रहे हैं। अगर हम दक्षिण राज्यों की बात करें तो दक्षिण राज्यों में सूर्य ग्रहण का नजारा कुछ अलग दिखा और ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में ये सूर्य ग्रहण ज्यादा साफ नजर आया है। जब तक ये सूर्य ग्रहण था, यानी कि अब से कुछ समय पहले तक, तब तक मंदिरों के कपाट बंद रहे, पूजा अर्चना नहीं हुई। और अब क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण खत्म हुआ है और इसके बाद अब मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना होगी, भोग लगाया जाएगा। और इसी के साथ साथ यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिला। कुछ अंगूठी की तरह ये सूर्य ग्रहण नजर आया। वहीं मुंबई से भी तस्वीरें, भुवनेश्वर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तिरुवनंतपुरम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोच्ची की भी तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर भी ये सूर्य ग्रहण देखा गया है। चेन्नई से, अहमदाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में इस सूर्य ग्रहण को ज्यादा साफ देखा जा सका। वहीं यूएई में भी आप देख सकते हैं, यूएई से भी ये तस्वीरें सामने आई है सूर्य ग्रहण की, किस तरह से इसे देखा गया। वहीं नेपाल में भी इस सूर्य ग्रहण को देखा गया और भारत में भी आप देख सकते हैं कि सूरज चांद की तरह नजर आया। दरअसल सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स वो होता है जब चांद धरती और सूरज के बीच में आ जाता है और कुछ पलों के लिए चांद सूरज को कवर कर लेता है। धरती से किसी भी एंगल से अगर हम सूरज को देखें तो सूर्य हमें नजर नहीं आता, उसी को सोलर इक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस तरह का नजारा 296 सालों बाद बना है और देश के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण की सामने आई है।